3,000 रुपए। इतने सारे रुपए क्यों? सब तुम्हारे हैं, तुम्हारी कविताओं का मेहनताना है ये। अब अपनी छुट्टियां हो गई हैं और अब वक्त आ गया है कि हम अपने मिशन में जुट जाएं। हमने एक योजना बनाई है ताकि आप सब लोग पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी संवार सकें। पर बेटे, जो काम तू यहाँ करना चाहे है भैया है बहुत मुश्किल। अरे काका, इस मुश्किल समस्या का हल ही तो ढूंढने आए हैं हम यहाँ। अब इसे नहीं छोड़ूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा। विकास, तुम इन्हें गणित सिखाओ। आई थिंक स्टार्ट विद सिंपल अर्थमेटिक एंड कैलकुलेशन। एक से 100 तक गिनती, जोड़ घटाना, वेट्स और करेंसी के बारे में जरूर बताओ। ओके। और प्रभु, तुम इन्हें लिखना सिखाओ, स्पीड धीरे धीरे बढ़ाना। और मैं और अनुराधा इन्हें पढ़ना सिखाएंगे, इनका भाषा ज्ञान बढ़ाएंगे। मुझे लगता है हम अपने कॉलेज के लेक्चरर्स की भी मदद लेनी चाहिए। चिपकू को पकड़ लें। हाँ, ये ठीक रहेगा। धीरे धीरे हम इन्हें पढ़ाते जाएंगे तो हमें इनके टैलेंट के बारे में पता चलेगा, और उसको देखते हुए हम इनकी वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। और उसके लिए हमें टीचर्स का प्रबंध तो करना ही पड़ेगा। प्रभु, तुम्हारे डैड तो नहीं आ जाएंगे? चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन पता कुछ नहीं, आ भी सकते हैं। अगर आ गए तो डांट बहुत पड़ेगी। यार, जब की तब देखेंगे, फिलहाल काम शुरू करते हैं। ओह यस, चलो स्टार्ट करते हैं। अमलोत्र, हाँ सब ठीक है। भैया, बच्चे तेरे फार्म हाउस पर इतने दिन से क्या कर रहे हैं? अरे, छुट्टियां बिताने गए थे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। लेकिन अब तो 2 महीने हो गए, छुट्टियां भी कब की खत्म हो गई, अब तो उन्हें वापस आना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है उसके बारे में सोचना चाहिए। अरे ऐश करने दे बच्चों को यार, फिर तो सारी उम्र उन्होंने बिजनेस ही संभालना है। वो तो ठीक है यार, क्यों ना ऐसा करें, वहां फार्म हाउस पर चलकर देखते हैं क्या गुल खिला रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई, इसी संडे को चलते हैं। ओके। हाँ ठीक है, ओके। अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते तुम ये भी भूल गए हो कि तुम्हें मुझे भी पढ़ाना है। अरे हाँ, ये तो मैं वाकई में भूल गया था। लेकिन देवी जी, इस वक्त तो मेरा मन रोमांस करने को कर रहा है। अच्छा, बहुत बिगड़ गया तुम, परे हटो। तुमने आज तक कोई प्रेम पर कविता नहीं लिखी, जब देखो पौधों, पेड़ पत्ती, फूलों पर ही लिखती रहती। इसी में आनंद आता है। प्रेम में और भी आनंद है, एक बार लिखो तो सही। मैं तो कहता हूँ कि एक पूरी किताब प्रेम पर तुम लिख डालो, देखना जबरदस्त हिट होगी। क्योंकि हमारे देश के लोगों में आपसी प्रेम की बहुत कमी है। अच्छा बाबा, लिख दूंगी। क्योंकि अगर मैंने प्रेम पर किताब नहीं लिखी तो इस देश के लोगों में प्रेम आएगा कहाँ से, है ना? एग्जैक्टली। तुम्हारी पहली किताब मार्केट में आने के लिए बस तैयारी है। मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। हाय आनंद। हेलो विकास, कैसा चल रहा सब? प्रोग्रेस अच्छी है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। इन सब में दीनानाथ सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, और मेरे ख्याल से उसका एप्टीट्यूड टीवी रेडियो रिपेयर में अच्छा रहेगा। उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग हम उनके पढ़ने लिखने और गणित के ज्ञान के बाद शुरू करेंगे। वो तो ठीक है आनंद, लेकिन हमें अपने लिए भी तो कुछ करना है। तुमने कुछ सोचा? यार मैं तो MBA करूँगा, वैसे भी मुझे सारी उम्र बिजनेस ही देखना है, तो क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिया जाए। मैं सोचता हूँ मैं MCOM कर लूँ। और प्रभु क्या करेगा? वो क्या करेगा, देखो अपने डैडी की दुकान में घुसेगा, देखो ना क्या कर रहा है, देखो। ये लो, ये भी एक यार बहुत फनी कैरेक्टर है, जब देखो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। लो मारो। लो, चलो यार हम भी खेलते हैं, बहुत दिनों से एक्सरसाइज नहीं हुई। चलो मैं चाय बना के। हमें भी खिलाओ भाई। अरे आओ आओ, लो यार। ले विकास, ये लो। अरे क्या कर रहे हो यार, ये लो। प्रभु देखो तुमने, प्रभु। अबे कौन है बे? प्रभु देख नहीं रहा, खेल रहा हूँ। Shut up and look here. That, that, आप
Come here. All of you. Come here. Come here. Fast! ये तुम लोग किन लोगों के साथ खेल रहे हो? जीवो जीवो क्या? अपना स्टैंडर्ड भूल गए हो तुम लोग? इस तरह छुट्टियां बितानी है तुम्हें? ये हमारे स्टूडेंट्स हैं डैड। स्टूडेंट्स हैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पहले खुद तो पढ़ लो ढंग से। अंकल हमने सोचा खाली टाइम है कुछ नया करके देखा जाए, तो हमने इन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। आई थिंक इट इज ए शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। और कोई काम नहीं सोचा तुम्हें करने के लिए? ये सब फिजूल काम बंद करो और चलो यहां से। कान खोल कर सुन लो, आज के बाद इस तरह का एक भी गंवार आदमी यहां नजर नहीं आना चाहिए। अंडरस्टैंड? आप चलिए डैड, हम लोग अभी आते हैं। फौरन हमारे पीछे भी जाओ। जल्दी आओ। मैंने सब कुछ सुन लिया, अब क्या होगा? डोंट वरी, ये तो होना ही था एक दिन। हम लोग अपने अपने डैड्स को समझाएंगे कि हम लोग जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। नहीं नहीं ना भावना, मुझे तो अपने डैड से बहुत डर लगता है। कम ऑन यार, जब इतना ही डर था तो ये सब शुरू ही क्यों किया था? लेकिन अब तुम लोग क्या करोगे? ऐसा करते हैं, अभी तो अपने अपने घर जाते हैं। तुम दीना नाथ और शिखर को लेकर कुछ दिन के लिए झोपड़पट्टी लौट जाओ। और वो लल्लू? इसका इंतजाम तो यहीं करना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, चौकीदार को बोल देता हूँ कि इसका ख्याल रखेगा और किसी को कुछ बताएगा भी नहीं। हाँ ये ठीक रहेगा। तो हम चले? हाँ। आनंद डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। आनंद, कीप योर बैग एंड कम हियर इमीडिएटली। यस डैड। नाडो, मैं तो हैरान हो गया तुम्हें आज देखकर। मैंने तुम्हें अच्छे स्कूल में भेजा, अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, ये सब सीखा तुमने वहां पर। तुम ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो जिनका हमारे सामने कोई वजूद नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं, जिनसे हम बात तक करना पसंद नहीं करते। नहीं डैड, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल गलत नहीं समझ रहा हूं। I'm ashamed of you। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है डैड जिससे आपको शर्म महसूस हो। तो ये सब क्या है? हमारा मिशन है। वी आर ट्राइंग टू एजुकेट देम डैड। तुम एजुकेट करो? अरे पहले खुद तो एजुकेट हो लो। स्कूल में 2 साल फेल हुए तुम, कॉलेज में हर बार तुम्हारा कोई ना कोई पेपर रह जाता है। एजुकेट करेंगे। मैंने सब पेपर क्लियर कर लिए डैड। नंबर देखे? कितने नंबर? कितने नंबर तुम्हारे? ओनली 40%। पास तो हो गया ना डैड, डिग्री तो मिल जाएगी मुझे। हमारी क्लास में पूरे 10 लड़के फेल हुए हैं, उनसे तो अच्छे होना डैड। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब ये गधा पैदा हुआ। रात के 12 बजे डैड, मम्मी ने बताया था, संडे था उस दिन। चलो, तुम्हारी माँ को भी आज ही अपने भाई के घर जाना था। कान खोल कर सुन लो, कल से तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस चलोगे, कुछ सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे, अंडरस्टैंड? लेकिन डैड हमारे मिशन का क्या हुआ डैड? बाहर में क्या तुम्हारा मिशन? देखो बेटा, हमारी बड़ी उम्मीदें हैं तुम पर। अगर तुम ये सब करते रहोगे तो जिंदगी में क्या कर पाओगे? हेलो जदवानी है? हेलो खन्ना साहब, कैसे हैं? हाँ भाई बस ठीक है, इन बच्चों ने बड़ा परेशान किया हुआ भाई। हाँ भाई यहाँ पर भी सब ये डिस्कशन चल रहा है। तो ऐसा करिए ना, कल भाभी जी को और विकास को लेकर हमारे यहाँ डिनर पर आइए। मल्होत्रा साहब भी आ रहे हैं। कल रात को? हाँ। तो ठीक है, कल हम आ जाते हैं और इस बात का कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा।
चमेली, मुझे बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं आनंद के पिताजी उसे क्या कुछ कह रहे होंगे। तू चिंता मत कर राधा, आनंद बड़ा होशियार है, सब कुछ संभाल लेगा। सच में उन तीनों की लगन देखकर तो मेरा मन भी करता है कि मैं भी पढ़ूं, खूब पढ़ूं, पर बापू जाने दे तब ना। कभी कभी मेरा मन बहुत डरता है कि कहीं मेरी और आनंद की कहानी को किसी की नजर ना लग जाए। उसे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा अपने घर वालों के साथ मुझे अपना जीवन साथी बनाने के लिए। मैंने कहा ना राधा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, वो सब कुछ संभाल लेगा। राधा, मैंने उसकी आंखों में तेरे लिए जो प्यार देखा है ना, वो उससे पहले कभी नहीं देखा। वाकई राधा, तू बड़ी किस्मत वाली है जो तुझे आनंद मिला। अब तो तैयारियां होनी चाहिए शादी की। हाँ, पगली। हाँ तो बच्चों, अब बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कोई नहीं है डैड, एक कैंपेन है जो हमने शुरू की है, हम उसे कामयाब करना चाहते हैं। देखो भाई, मेरी समझ में तो ये बिल्कुल वाहियात किस्म की कैंपेन है। तो कहता हूँ, मुझे सोचते हुए घिन आती है कि तुम उस गंदी झोपड़पट्टी में जाओगे। लेकिन अंकल, आप ये तो समझिए कि हम वहां गए क्यों। मुझे तो कोई कारण नजर नहीं आता सिवाय इसके कि तुम लोगों ने अपना कीमती समय बर्बाद किया है, बस। ऐसी बात नहीं डैड, आखिर हमारा भी इस देश के प्रति कुछ कर्तव्य है। देश के प्रति कर्तव्य? बेटा, ये बातें फिल्मों में अच्छी लगती हैं, हकीकत में नहीं। आप लोगों की बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है डैड, जैसे आप जैसे हाईली एजुकेटेड और अमीर लोगों को अनपढ़ लोगों के बजाय शिक्षा की ज्यादा जरूरत है। क्या बकवास कर रहा तू? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं डैड, लॉजिक से बात कर रहा हूं। वो कैसे? यदि हम जैसे शिक्षित लोग देश के प्रति अपने फर्जों को भूल चुके हैं, और शायद ये भी भूल चुके हैं कि जहां से हम इतना पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा किसी न किसी रूप में देश को वापस करना चाहिए, तो वाकई हमें शिक्षा की सख्त जरूरत है। क्यों भाई, हम टैक्स नहीं देते क्या? डैड, आप झूठ मत बोलिए, आपके पास बहुत ब्लैक मनी है। अबे चुप बे, थोड़ी बहुत ब्लैक मनी तो सबके पास होती है भाई। हमने शायद ये कभी नहीं सोचा कि हम इस देश से क्या कुछ लेते हैं, पढ़ लिख कर कितना पैसा कमाते हैं, उसे उन लोगों में बांटना नहीं चाहते जो उससे महरूम हैं, और इनके पास हमारे जैसे साधन नहीं है ये सब कुछ पाने के लिए। क्यों बांटे हम किसी से अपना पैसा, आखिर हमारी मेहनत की कमाई है। अरे अंकल, हम कब कह रहे हैं कि आप अपनी दौलत लुटा दीजिए, आप तो अपनी दौलत पहले ही लुटा रहे हैं लेकिन गलत तरीके से। वो कैसे? क्या आप लोगों को मालूम है, यदि आप लोग अपनी हफ्ते की एक कॉकटेल पार्टी का बलिदान दे दें तो कम से कम 10 अशिक्षित लोग शिक्षा पा सकते हैं। एक बात बता, हमने सबका ठेका ले रखा है क्या? अबे सरकार किस लिए? डैड, अकेली सरकार क्या कर लेगी, अगर लोग उसका साथ नहीं देंगे तो? हमारे ख्याल से हर शिक्षित नागरिक का कर्तव्य है कि वो कम से कम एक अशिक्षित नागरिक को शिक्षित बनाए। इसमें हम सबका फायदा है, इससे आप लोगों का बिजनेस और भी बढ़ेगा, चमकेगा। बढ़ेगा और चमकेगा, वो कैसे? इसका जवाब बहुत सिंपल है डैड, जब लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो उनका आर्थिक स्तर भी बढ़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर काम कर सकेंगे। ठीक है डैड? ठीक है। और वो बेहतर और अधिक काम करेंगे तो उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। और जब उनकी आमदनी बढ़ेगी तो उनके पास ज्यादा पैसे होंगे, और जब उनके पास ज्यादा पैसे होंगे तो वो मार्केट से ज्यादा चीजें खरीदेंगे, मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी, और जब अलग अलग चीजों की मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, मेरा मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और पैसों का ज्यादा लेन देन। ठीक है? और जब किसी देश का मनी जनरेशन तेज होता है तो बिजनेस में ज्यादा फायदा होता है और हर आदमी का आर्थिक स्तर भी बढ़ता है। इट्स अ सिंपल रूल ऑफ इकोनॉमिक्स। चलो मान लिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन जितना समय तुम इस काम में लगाओगे उतना ही समय अगर तुम बिजनेस में लगाओगे तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा क्या?
भाई सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल से तो इन्हें अब अपने अपने बिजनेस में ध्यान देना चाहिए। हम लोग कब कह रहे हैं कि हम लोग अपने बिजनेस में ध्यान नहीं देंगे? और एक गलतफहमी मैं आपकी दूर कर दूं कि इस काम में बहुत ज्यादा समय लगता है, सिर्फ एक घंटा। जी हाँ, सिर्फ एक घंटा चाहिए इस काम को अंजाम देने के लिए। बस सिर्फ एक घंटा? हाँ, सिर्फ एक घंटा। और मेरे ख्याल से इसे कोई भी अफोर्ड कर सकता है। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। इट्स वेरी सिंपल डैड, जैसे जो हमें अपने कैरियर के लिए करना है वो तो हम करेंगे। जैसे मुझे MBA करनी है, विकास M.Com ज्वाइन करेगा, प्रभु अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन करेगा, ये सब चलता रहेगा, लेकिन दिन में सिर्फ एक घंटा इस काम के लिए जरूर निकालेंगे। और मेरे ख्याल से इस बात पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। और हमें अपनी बात प्रूव करने के लिए सिर्फ एक साल चाहिए बस। आज आप लोगों ने हमारे तीनों स्टूडेंट्स को देख ही लिया है, अब आप एक साल बाद देखिएगा, ठीक है? मंजूर है? मेरे ख्याल से मल्होत्रा साहब, बच्चों की बात में दम है। खन्ना, अगर ये अपने करियर की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं और सिर्फ एक घंटा उस काम में लगाना चाहते हैं तो हमें क्या एतराज हो सकता है? क्यों मिस्टर जलवानी? एक घंटे का मतलब एक घंटा, ऐसा ना हो कि एक घंटा कहो और घंटों गायब रहो। क्यों विकास? ओह नो डैड, ऐसा नहीं होगा। इस बात की गारंटी मेरी है, हम लोग अपना पॉइंट प्रूव कर कर दिखाएंगे। मल्होत्रा अंकल, क्या हम लोग आपका फार्म हाउस यूज कर सकते हैं? मेरा फार्म हाउस? Why not? Sure. We wish you all the best. Yay! आनंद भाई कहाँ हो? नजर नहीं आते आजकल। वैसे ही डैड, कुछ बिजी था। खैर, इट्स गुड टू बी बिजी। एनीवे, कल शाम को घर पर रहना, हाँ? कुछ मेहमान आने वाले हैं। डैड, कल शाम मुझे कुछ काम था। अरे यार, एक शाम हमें नहीं दे सकते तुम? जानते भी हो कौन आने वाला है? कपूर साहब, उनकी बेटी शीतल। मैं चाहता हूँ तुम दोनों की एंगेजमेंट जल्दी से जल्दी कर दूं। तुम एक दूसरे को पसंद भी तो करते हो, हा? इस काम में देरी नहीं करनी चाहिए। डैड, मैं शीतल से शादी नहीं करना चाहता। अरे ये क्या कह रहे हो? मैं कपूर साहब को जबान दे चुका हूँ। नहीं डैड, मैं शीतल से शादी नहीं करूंगा। और हमारा मिशन है तो तंग आ गए तुम्हारे इस मिशन से। जब देखो उसी का रोना रोते रहते हो। अब बस करो यार, बहुत हो गया। डैड, ये तो अभी शुरुआत है। तुम आखिर चाहते क्या? मैंने तुम्हें दिन में एक घंटे की इजाजत दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर वक्त उसी का राग अलापते रहो। अब सीरियसली बताओ, तुमने शादी वादी करनी है या नहीं करनी? करनी है डैड। तो किससे करना चाहते हो? है कोई? ओ हो 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 हो, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। अरे तो मिलवाना यार। बहुत जल्द मिलवाऊंगा डैड। अच्छा, ये तो बता दे कौन है वो, उसके फादर क्या बिजनेस करते हैं? वक्त आने पर सब बताऊंगा डैड। बेटे, जब से तुम्हारी माँ का देहांत हुआ है ना, मुझे तेरी बहुत फिक्र लगी रहती है। तुझे कुछ संभालने वाली आ जाए ना तो मैं बेफिक्र हो जाऊं। आप चिंता मत करो डैड। अच्छा, उसका नाम तो बता दे। अनुराधा। अनुराधा, nice name. Is she beautiful? Yes, Dad. She is extremely beautiful. अरे तो मिलवाना यार, हम भी तो देखें अपनी बहू को। Okay, Dad. Good boy. तुम्हें मालूम है? क्या? मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। तुमने उन्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया? अभी नहीं। तो फिर? वही तो मैं भी सोच रहा हूं कि
तुम्हें कब और कैसे उनसे मिलवाया जाए? मुझे बहुत डर लग रहा है आनंद। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पता नहीं आनंद क्या होगा। तुम्हें याद है इसी नदी के किनारे से हमारे प्यार की शुरुआत हुई थी? याद है। कितने शैतान थे तुम, कितना तंग किया करते थे मुझे, और कैसा गुस्सा आया था मुझे, याद है? तुम्हारे उसी गुस्से ने तो मेरी जिंदगी बदल डाली। अच्छा वो कैसे? तुम्ही ने मेरे जमीर मेरी आत्मा को झिझोड़ दिया था। बहुत डांटा था मैंने। बहुत। ओके आई एम सॉरी। अच्छा एक बात सच सच बताओ, बहुत प्यार करते हो मुझसे? हेलो। हेलो आनंद, मैं चोपड़ा अंकल बोल रहा हूँ। हेलो चोपड़ा अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटे, एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। खुशखबरी? जल्दी सुनाइए। कला संगम परिषद वालों ने अनुराधा के लिखे कविताओं के संग्रह को बहुत बड़ा पुरस्कार देने का फैसला किया है। सच? दैट्स ग्रेट न्यूज अंकल। अंकल फंक्शन कब है? अगले इतवार को। ओके अंकल। मार्केट में जितनी भी कॉपीज थी ना, हाँ वो सब बिक गई है। 50,000 का चेक और भेज रहा हूँ अनुराधा के लिए, उसे कहो एक किताब और लिख दे जल्दी से। हाँ जरूर अंकल, कह दूंगा मैं। ओके ऑल द बेस्ट बेटा, बाय बाय। ओके बाय अंकल। क्या हुआ, किसका फोन था? कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं थी। बताओ ना। कहा ना कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? अरे बाप रे बाप, इतने बड़े बड़े आंसू, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अरे पगली, तुझे कला संगम परिषद वालों ने बहुत बड़ा सम्मान देने का फैसला किया है। तो पहले क्यों नहीं बताया? आई एम सो सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। कम ऑन चीयर अप, चीयर अप। चोपड़ा अंकल 50,000 का और चेक भेज रहे हैं। मुझे जिस मौके की तलाश थी भगवान ने मुझे दे दिया। अब देखना तुम मैं क्या करता हूं। मैं उपस्थित मेहमानों की तरफ से अनुराधा जी से अनुरोध करूंगी कि वह हमें अपनी एक रचना सुनाए। आज जो सम्मान आप लोगों ने मुझे दिया है, पता नहीं मैं उसके योग्य हूं भी या नहीं, पर मैं आप सबकी तहे दिल से आभारी हूं। बचपन में मैं ये सोचा करती थी कि मैं कभी लिख भी सकूंगी या नहीं, लेकिन जीवन में एक ऐसा हमसफर मिला जिसने मेरा हाथ पकड़कर प्रेम से प्रेरित कर मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचा दिया। आज जो कविता मैं आप सबको सुनाने जा रही हूं, ये उसी हमसफर को समर्पित है। तन्हा खड़ी थी मैं जीवन की डगर पर, मेरा लक्ष्य मुझे छू कर निकल गया। बादल का एक छोटा सा टुकड़ा, सिर्फ एक बूंद लिए कानों में धीरे से कुछ कह गया। न जाने क्यों वो कोमल स्पर्श मेरे जहन में कुछ इस तरह से बस गया। एक अनजाने एहसास, एक करुणामयी भावना का हृदय को अनुभव हो गया। पूछती रही मैं अपने आप से कि आखिर जीवन का सत्य क्या है।
पूछती रही मैं अपने आप से कि आखिर जीवन का सत्य क्या है। दूर क्षितिज में उदित एक रोशनी की किरण, सोचा देखूं तो वो क्या है। वो एहसास जो बन चुका था मेरा हम सफर, कहीं मेरे आसपास ही खड़ा है। स्नेह से हाथ पकड़ ले चला वो प्रकाश की ओर, प्रेम से प्रेरित कर अनुराधा को रुला रुला गया।